लेकिन निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि भारत में अंग्रेजों के उपनिवेशवाद की शुरुआत बंगाल से हुई, जिसे हम आज पश्चिमी बंगाल कहते हैं, बंगाल से कलकत्ता से हो। इसका कारण था कि वह एक बहुत आर्थिक रूप से बहुत संपन्न राज्य था, बहुत संपन्न भाग था मुगल एम्पायर का, और इसलिए उनको आर्थिक संपन्नता के लिए उन्होंने निश्चय किया था कि वह बंगाल की ओर नज़र करें, और अन्य राजनीतिक कारण भी थे जिसके कारण वे लोग बंगाल की ओर मुखातिर हुए। बंगाल या कलकत्ता में आखिर अंग्रेजों की स्थापना क्यों हुई, वहीं उन्होंने क्यों किया? अन्य क्षेत्र भी थे, भारत एक विशाल साम्राज्य था, वे किसी अन्य क्षेत्र में भी, समुद्री क्षेत्रों में भी जा सकते थे, लेकिन उन्होंने बंगाल को क्यों चुना? उसका कारण है कि कंपनी के व्यापार का आरंभ यद्यपि सूरत से हुआ, लेकिन कुछ कारणों से उन्होंने बंगाल को सुरक्षित पाया। 1665 तक उनका एक तरीके से आधिपत्य हो गया था पूरे दक्षिण क्षेत्र में, तटीय क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ, और कंपनी के आधिपत्य में बंबई और गुजरात आ चुके थे, परंतु दक्षिण में कंपनी को मुख्य तरीके से, मुख्य रूप से कुछ चुनौतियां थी, और दो चुनौतियां थी। एक फ्रांसीसी कंपनी, उसकी उपस्थिति जो हैदराबाद पांडिचेरी में व्यापार कर रही थी, दूसरा दक्षिण में कुछ ऐसी क्षेत्रीय शक्तियां भी थी जो अत्यधिक ताकतवर थी। जैसा मैंने पूर्व में बताया कि अवध, बंगाल, हैदराबाद ने एक तरीके से अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया था, दक्षिण में भी कुछ इस तरीके की बात हो रही थी, और वे लोग बहुत ताकतवर भी थे। उदाहरण के लिए मराठा, टीपू सुल्तान, बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर की सल्तनत, ये लोग अंग्रेजों के लिए दूभर साबित हो रहे थे। लेकिन इनसे संघर्ष की स्थिति लगातार बनी रही, पर बंगाल के साथ ये नहीं थी, ये बातें नहीं थी। दूसरे शब्दों में अंग्रेजों के लिए जहां दक्षिण में सतत रूप से कुछ न कुछ समस्याएं थी, कुछ न कुछ चैलेंजेस थे, उनके लिए बंगाल तुलनात्मक दृष्टि से थोड़ा सरल था, और उसके कुछ सकारात्मक लाभ भी थे बंगाल को हथियाने के। जैसे बंगाल से दिल्ली उतना दूर तो नहीं था, और साथ ही मुगल शासक से उचित समय पर समुचित सहायता भी मिल जाती थी। दूसरा, बंगाल में दक्षिण जैसा संघर्ष की कोई बात नहीं थी, कृषि उपज अच्छा था, संपन्न राज्य था, और तटीय व्यापार भी बड़ा सुलभ था। इसलिए औरंगजेब से 1680 में अंग्रेजों ने कलकत्ता मांगा, तब उसके कलकत्ता के जमींदार सवर्ण राय चौधरी से औरंगजेब ने 3 गांव निकालकर अंग्रेजों को, कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया। ये गांव थे सुतनती, गोविंदपुर और कलिकता, जो बाद में कलकत्ता बना। यहाँ की जमींदारी की मांग अंग्रेजों के द्वारा करने पर औरंगजेब ने 1680 में इन 3 गांवों की जमींदारी अंग्रेजों को या ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दी। और इस प्रकार यहां से हम देख सकते हैं कि बंगाल में अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना की शुरुआत, उसकी नींव लगभग यहीं से हम देख सकते हैं। अंग्रेजों की नजर बंगाल पर थी, उसके कारण भी स्पष्ट हैं। सवाल ये उठता है कि बंगाल को पूरी तरह कब्जा करने में अंग्रेजों को 2 लड़ाइयां लड़नी पड़ी। वास्तव में लड़ाइयां थी, युद्ध थे या मात्र स्कर्मिश थे, ये बात दूसरी है, लेकिन 2 बार उन लोगों को सामना करना पड़ा, एक प्लासी और दूसरा बक्सर। आखिर ये क्यों हुए? बंगाल के सभी नवाब, चाहे वो मुर्शिद कुली खान, अली वर्दी खान या फिर सिराजुद्दौला,
सभी लोग कंपनी के भ्रष्ट तरीकों से षड्यंत्रकारी आचरण से वाकिफ थे, सजग थे और समय समय पर इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की हरकतों पर लगातार लगाम लगाने का भी काम किया, यानी चैतन्य थे और इस बात के प्रति जागरूक थे कि अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी कुछ न कुछ हरकत करती रहती है। इनमें जो सिराजुद्दौला था वो सबसे ज्यादा अनुशासित था, सबसे ज्यादा सजग था और एक तरीके से राष्ट्रभक्त भी था, जिनके विरुद्ध उन्हीं के शासन के मंत्री षड्यंत्र करने लगे, क्योंकि खुद बहुत अनुशासन प्रिय था और अपनी कड़ाई के आधार पर उसने अपने स्वयं के मंत्रियों और अधिकारियों का कंपनी के साथ जो लेन देन होता था, खासकर गिफ्ट आदि का, व्यवहार आदि का, उसको उसने बंद करवा दिया और इसी का परिणाम था जो शायद बाद में उसे उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। कंपनी जो कलकत्ता में एक तरीके से किलेबंदी कर रही थी और इस किलेबंदी के प्रयास में पूर्व में कई बार खदेड़ी भी गई थी, उसे ध्वस्त करने के उद्देश्य से सिराजुद्दौला ने आक्रमण किया और कब्जा भी कर लिया। उसने मीर जाफर के षड्यंत्रकारी परामर्श को ना माना होता और पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने रॉबर्ट क्लाइव को मद्रास से आते समय ही खत्म कर देता तो शायद कंपनी पराजित हो जाती। यहां पर कुछ गलतियां हुई, परंतु मीर जाफर के कंपनी से संधि किए जाने के चलते हम यह युद्ध हार गए बड़े नाटकीय तरीकों से। जो क्लाइव लड़ने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था उसकी हत्या कर दी गई और इस प्रकार प्लासी का युद्ध 1757 का एक लैंडमार्क युद्ध के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यहां से कंपनी ने सामरिक तरीके से बंगाल पर अपना कब्जा प्रारंभ किया। बक्सर का युद्ध 1764, मीर जाफर ने नवाब बनने के लालच में कंपनी का साथ तो दिया था, परंतु वह नवाब नहीं बन सका क्योंकि किसी के प्रति भी वो ईमानदार नहीं था और इसीलिए अंग्रेजों ने मीर कासिम को, जो जाफर का ही दामाद था, सिद्धांतवादी था, उसे नवाब बना दिया। नवाब बनते ही मीर कासिम ने सबसे पहले अपनी राजधानी मुंगेर यानी बिहार के मुंगेर जिले में स्थानांतरित की ताकि कंपनी के किसी भी तरीके के षड्यंत्र से बचा जा सके। दूसरे शब्दों में एक तरीके से बंगाल को अंग्रेजों के मत्थे छोड़कर लेकिन स्वयं स्वतंत्र शासक बनने के लिए उसने मुंगेर की ओर अपने को मोड़ा, वहां अपनी राजधानी बनाई और इस बात का बड़ा विरोध किया कि कंपनी बगैर कर चुकाए, बिना टैक्स चुकाए किसी भी तरह का व्यापार करेगी तो उसके लिए उसको कड़ी सजा मिलेगी। एक और जहां भारतीय व्यापारी 40% कर चुकाते थे, अंग्रेज लोग लाइसेंस या बट्टा का दुरुपयोग करते हुए इन टैक्स से बच निकलते थे और मीर कासिम को यह बात गले नहीं उतरती थी। इसी बात पर बक्सर की लड़ाई हुई, एक तरीके से माना जाए तो 1664 में। ये बक्सर पटना बनारस मार्ग पर गंगा के किनारे है, वहां पे कंपनी की घेराबंदी की गई और युद्ध हुआ। हालांकि मीर कासिम का साथ शाह आलम दो जो मुगल सम्राट था और शुजाउद्दौला जो अवध का नवाब था, इन तीनों की सेनाओं ने मिलकर यह युद्ध लड़ा। तो एक तरफ मीर कासिम की फौज, शाह आलम की फौज और शुजाउद्दौला की फौज थी, दूसरी तरफ कंपनी की सेना थी। तीन
सेनाओं के होने के बावजूद ये लोग एक तरीके से निर्बल साबित हुए, क्योंकि कंपनी ने इस युद्ध को समझ लिया था, भांप लिया था और अपनी तैयारी पुरजोर की। इस युद्ध में भी कासिम हार गए और आलम यह हुआ कि कासिम का अंतिम संस्कार भी लावारिस की तरह हुआ, वह भी दिल्ली में और बहुत ही दयनीय स्थिति में। तो बक्सर की लड़ाई 1764 की एक तरीके से टर्निंग पॉइंट साबित हुई। स्पष्ट है कि बक्सर के युद्ध के बाद उत्तर भारत में उन्हें चुनौती देने वाला कोई नहीं था। दिल्ली का सम्राट भी हार गया, अवध का राजा भी हार गया और बंगाल का मीर कासिम वह भी पराजित हो गया। अतः 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई, जिसमें कंपनी के राज की आधिकारिक स्तर पर हम शुरुआत देख सकते हैं। 1764 का बक्सर की लड़ाई, उसके बाद होने वाली 1765 में इलाहाबाद की संधि। यहां से हम अंग्रेजों का एक आधिकारिक स्तर पर हम उनका शासन, उनका राज भारत में और विशेषकर बंगाल में हम देख सकते हैं। बंगाल से जो उन्होंने कब्जा करना शुरू किया, तो बढ़ते बढ़ते वे दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, दक्षिण और फिर और दक्षिण में होते हुए पूरे भारत पर उन्होंने एक तरीके से अपना कब्जा कर लिया। और कहाँ, बंगाल के एक शासक से शुरुआत करने वाले लोग समय के साथ साथ भारत के भाग्य विधाता बन गए। ये 200 साल का इतिहास जिसमें अंग्रेजों ने कलकत्ता से अपना व्यापार शुरू, कलकत्ता से अपना शासन शुरू किया। व्यापार तो शुरू किया था उन्होंने सूरत से और बॉम्बे से, लेकिन शासन जो शुरू किया वो कलकत्ता से किया और धीरे धीरे वो पूरे भारत में उन्होंने अपना साम्राज्य बना लिया और भारतीय अर्थव्यवस्था को उन्होंने अपने अनुसार ढाला। अब इसका अर्थ क्या है, ये हमें थोड़ा समझना चाहिए कि भारतीय अर्थव्यवस्था को अपने अनुसार ढालना यानी औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के रूप में बदलना, एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें भारत का उपयोग एक उपनिवेश के रूप में किया जा सके और यहाँ के संसाधनों का दोहन अंग्रेजों द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अपने उद्योगों के भलाई के लिए किया जा सके, यही औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था है। इस औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में ब्रिटिश हितों की पूर्ति सर्वाधिक महत्वपूर्ण थी और यही उसका उद्देश्य था। अंग्रेजों के हितों की पूर्ति के लिए आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक दोहन और शोषण यह औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का हिस्सा होता है। भारत के सभी संसाधनों का उपयोग अंग्रेज लोग अपने ब्रिटिश उद्योगपतियों के भलाई के लिए, उनके हितों के लिए, उनके आर्थिक विकास के लिए करते थे। अंग्रेजों के द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था को औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में बदलने में कई वर्ष लगे और यह क्रमशः होता गया। यदि हम अंग्रेजों के पहले आए हुए आक्रांताओं की बात करें तो एक मूलभूत अंतर है जो हमें यह भी समझना होगा। अंतर यह है कि भारत में अंग्रेजों के आने से पहले जो भी विदेशी आए, चाहे हम वे मुग़ल बोलें उनके पहले या उसके पहले सल्तनत के राजाओं की बात करें या शका, हूण, कुषाण और अन्य विदेशियों की बात करें जिन्होंने भारत पर समय समय पर हमला बोला, ये लोग थे जो भारत पर हमला बोले, भारत आए और भारत में ही रच बस गए, यहीं के हो गए, यहीं की माटी के बन गए, इसी को अपनी, भारत को ही अपनी भूमि के रूप में देखने लगे। अपनी भलाई के साथ साथ भारत की भलाई या जिस जगह पे बसे उस क्षेत्र की भलाई भी इनका एक उद्देश्य था।
दूसरे शब्दों में अंग्रेजों के आने के पहले के आए हुए सभी आक्रांता अपने को भारतीय मानते थे, यहीं के माटी में बस गए थे, यहीं रम गए थे, उन्होंने अपने को किसी दूसरे रूप में नहीं देखा। जबकि अंग्रेज, वे अंत तक अंग्रेज बने रहे, उन्होंने अपनी अंग्रेजियत बरकरार रखी और भरसक कोशिश की कि उनकी जो आइडेंटिटी है, उनकी जो पहचान है, वह अलग बनी रहे। इसके साथ उन्होंने अपनी आत्मनिर्भर देश, आत्मनिर्भरता, देश की संपन्नता, इस पर भी अंग्रेजों ने विशेष चिंता जाहिर नहीं की। जैसा मैंने बताया, पूर्व के आक्रांता यहीं के बस गए, यहीं रम गए, तो निश्चित रूप से यहाँ की भलाई का भी उन्होंने ख्याल रखा, यहाँ की आर्थिक वृद्धि के बारे में भी उन्होंने सोचा और भरसक प्रयास किया कि यह क्षेत्र संपन्न रहे, जहाँ हम रहते हैं आत्मनिर्भर रहे। लेकिन अंग्रेजों के विचार इससे बिल्कुल अलग थे। अधिकांश हिस्सा जो देश का कृषि आधारित था, अधिकांश हिस्सा जो देश का जो ग्रामीण परिवेश में था, जो गांव का था, पुराने आक्रांताओं ने उसे यथावत बनाए रखा था, उसमें किसी प्रकार की विशेष छेड़छाड़ नहीं की थी। सामाजिक और सांस्कृतिक ये जो परंपराएं थीं, उसे यदा कदा ही कभी कभी उन्होंने थोड़ा छेड़ा ज़रूरत पड़ने पर, अन्यथा उन परंपराओं को उन्होंने सतत रूप से बनाए रखा। गांव की आत्मनिर्भरता भी वैसी ही बनी रही। जो गांव स्वयं में एक छोटे यूनिट के रूप में आत्मनिर्भर थे, स्वावलंबी थे, और साथ ही साथ परंपरागत स्वावलंबी अर्थव्यवस्था का पालन अनुपालन करते थे, अर्थात दूसरी ओर नहीं झांकते थे, दूसरे क्षेत्रों की ओर नहीं झांकते थे, अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति सभी गांव लगभग स्वयं पूरा कर लेते थे, ये जो परंपरा जो थी, जो अर्थव्यवस्था जो थी, इसे पुराने आक्रांताओं ने बनाए रखा था। लेकिन दुर्भाग्य, अंग्रेज आए और उन्होंने इस आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था को तोड़ दिया, उसे नष्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें इस आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था को अपनी औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था से जोड़ना था, एक ऐसी अर्थव्यवस्था बनानी थी जिसमें भारत के संसाधनों का दोहन किया जा सके, पैसों को इंग्लैंड भेजा जा सके, जितने भी संसाधन हैं उनका उपयोग अंग्रेजों के फैक्ट्री, अंग्रेजों के व्यापार, अंग्रेजों के उद्योगों के लिए किया जा सके। यदि उस उद्देश्य से अंग्रेज काम करते थे तो निश्चित रूप से उससे भारत की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई और भारत की जो स्वावलंबी अर्थव्यवस्था थी गांव की, वह पूरी तरह से टूट गई, तहस नहस होने लगी, समाप्त होने लगी। दूसरे शब्दों में यह काल जिसमें हम उपनिवेशवाद और देहात सरकारी अभिलेखों के माध्यम से पढ़ेंगे, इसमें हम ये भी जानेंगे कि कैसे भारतीय अर्थव्यवस्था का विघटन हुआ, कैसे यह अर्थव्यवस्था टूटती गई, और इस टूटने की प्रक्रिया में सरकारी अभिलेखों का क्या कहना है, किस रूप में इस विघटन को देखते हैं, क्या यह एक नैसर्गिक प्रक्रिया थी या क्या यह एक जानबूझकर अपनाई गई प्रक्रिया थी जिसमें अंग्रेजों ने अपने हित को सर्वोपरि रखा था। क्या भारत की जो गरीबी उस काल के बाद प्रारंभ हुई, यह क्या एक किसी अन्य कारण से थी या अंग्रेजी औपनिवेशवाद का परिणाम थी? तो इस प्रकार इस अर्थव्यवस्था की औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हुए हम जानेंगे भारत की वर्तमान आर्थिक स्थिति के कारणों को भी।